छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते 36 घंटे से अधिक समय हो रहा है और लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचली बस्तियों में घरों तक पानी घुस गया है। नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। जलभराव की स्थिति बन गई है। तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसे के अतिरिक्त सभी जिलों में ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पिछले 36 घंटों से अधिक समय से हो रही लगातार बारिश ने यहां के जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बीती रात से लगातार यहां सावन की झड़ी सी लगी हुई है। सावन जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे यहां पर अब झड़ी का एक तरह से शुभारंभ हुआ है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो इसने न केवल निचली बस्तियों में पानी भर दिया है बल्कि सरगुजा और बस्तर संभाग में तो बाढ़ के हालात है। मैं दिखाना चाहूंगा कि आज सुबह से ही राजधानी में किस तरह काले बादल छाए हुए हैं और पूरी तरीके से यहां पर लगातार बारिश होती नजर आ रही है। हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें पूरी तरह सुनसान है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने से कहीं ना कहीं यह है कि जो छत्तीसगढ़ में बारिश जो कम हो रही थी रायपुर और दुर्ग संभाग में कम वर्षा की बात कही गई थी वो लगातार अब यहाँ पर पूरी होती कमी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं पूरी सड़कें खाली पड़ी हुई है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा छा हुआ है। लोग अपने घरों में हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस बारिश ने लोगों को काफी परेशान किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश का आलम है। हर तरफ पानी पानी पूरी राजधानी पानी पानी होती नजर आ रही है। तो एक तरह से राजधानी में जो बारिश का आलम है उसने लोगों को परेशान और हलाकान किया हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है मौसम वैज्ञानिकों ने भी रायपुर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और वहीं आगामी 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी रायपुर समेत सभी जिलों में दी गई है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करेंगे जो अन्य जिले हैं वहां पर ग्रीन अलर्ट जारी है। ऐसे में पूरे प्रदेश में जो बारिश का कहर है वह बरपता नजर आ रहा है। आसमान से अब बारिश नहीं आफत बरस रही है। तो लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उनके घर पूरी तरह से पानी से लबालब भर गए हैं। निचली बस्तियों झुग्गी बस्तियों में जो पानी है उनके घर तक पहुंच गया है। सांप बिच्छू का डर सता रहा है और साथ ही देर रात वह अपनी जाग कर रात्रि जागरण करते हुए गुजारते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक दक्षिणा के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज रायपुर।